नमस्कार दोस्तों, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि शुरू होने जा रही है और नवरात्रि हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये हमारा अत्यंत प्रिय पर्व है और आज मैं आप लोगों से कुछ खास बातें शेयर करने जा रही हूँ जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। चाहे कोई व्रत रखे या ना रखे, लेकिन हमें इन खास बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। नवरात्र में शक्ति की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। ये दिन अत्यंत पवित्र माने गए हैं, अतः नवरात्र के दौरान प्याज, लहसुन और मांसाहार का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई भक्तगण नवरात्रि में घर में कलश स्थापना कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उन्हें नवरात्र के दिनों में घर खाली छोड़कर अर्थात घर बंद करके नहीं जाना चाहिए। नवरात्र के दिनों में भक्तगण माँ से अपने और अपने परिवार के लिए खुशियों के लिए, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। अतः ये विशेष ध्यान रखें कि क्रोध बिल्कुल ना करें, किसी का भी दिल ना दुखाएं और किसी का भी धन ना हड़पें। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प, विशेषकर लाल गुलाब और गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। इसके अतिरिक्त बेला, गेंदा, अशोक, माधवी आदि के पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन माता दुर्गा को तुलसी दल, आंवला और तमाल के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। दुर्गा जी को आंख और मदार के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। माँ की पूजा अर्चना में प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। जो भी मेहमान आए उस प्रसाद को उनमें बांट देना चाहिए। नवरात्रि में प्रतिदिन माँ को सुबह शाम भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि में यह अवश्य ध्यान रखें कि किसी का भी दिया अन्न ना खाएं। व्रत में किसी और का अन्न खाने से पाप के भागी बनते हैं। और नवरात्रि में प्रतिदिन माँ को सुबह शाम भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को चमड़े की चीज़ों जैसे बेल्ट, बैग, चप्पल, जूते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में व्रत रखने वालों को दिन में सोने, सिगरेट, तंबाकू का व्यसन करने और शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। और नवरात्र में एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए दोस्तों, कि जब भी आप माता रानी की पूजा करते हैं सुबह उठकर, तो आप स्नान करने के बाद और साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद ही माता रानी की आराधना करें, पूजा करें। नवरात्रि के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाएं। घर की रसोई में सर्वप्रथम जो भी बनाएं उसका पहले माँ दुर्गा को भोग लगाकर, फिर घर के बुजुर्गों, बच्चों, स्त्रियों को भोग लगाकर ही उसका सेवन कराएं। यदि घर में कलश स्थापना करने के बाद सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता है, लेकिन अगर पहले हो जाए तो पूजा व्रत ना करें। और नवरात्रि में यथासंभव दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर से कोई भी मेहमान भूखा ना जाए और किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ निराश नहीं भेजना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज कुछ ज़रूरी बातें जो कि नवरात्रि में हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी की झोली खुशियों से भर दे, यही मेरी कामना है। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि।